सब लोग आ गए हैं ना? जी सर। ये रघु अभी तक क्यों नहीं आया? वो कहाँ चला गया? हेलो सर। सिर्फ रघु ही नहीं, उसका भाई भी तो नहीं आया है। वो जिस दिन समय पर आ जाएगा उस दिन हिस्ट्री बन जाएगी। अरे भाई कहाँ लेके जाना है बोलो ना, यहीं पर रुकू क्या? अच्छा ठीक है। लो अभी तक हमने इसकी बात भी खत्म नहीं की और ये आ भी गया। हाय डियर, मैं लेट तो नहीं हुआ ना? ये नमूना कभी नहीं सुधरेगा। इसे थोड़ा लेट तो हो गया। अरे बाप रे पाई जी, आपके आने से ही हमें आश्वासन मिलता है, मस्ती मजाक का मौका मिलता है। मेरा ओरिजिनल नाम लेके बोलो यार, पदम नाम है मेरा, बाप ने कितने प्यार से रखा था। जरा सभी लोग ध्यान देंगे, हमारे पाईजी अंकल को आगे से कोई भी पाईजी करके नहीं बुलाने वाला, ऐसा हमारे पाईजी अंकल का ऑर्डर है। ठीक है पाईजी अंकल। हे भगवान, ये लोग जो हमारा मजाक उड़ाते हैं उसे सहने के लिए शक्ति दो। सुनो वो कहाँ है? कहूं सर, बहुत ट्रैफिक था रास्ते में, यहाँ तक पहुँच गया यही बहुत है सर। चलो ठीक है, जाने में लेट किया तो पहुँचने में और ज्यादा लेट होगा। चलो बच्चों जल्दी से चढ़ जाओ। सर उसकी फिक्र मत करिए, चलो चलो। मैं आपके साथ पहली बार ट्रिप पे थोड़ी जा रहा हूँ सर, जिस समय हमें पहुँचना है ठीक उसी समय पर मैं पहुँचा दूंगा। हाँ ठीक है ना, चलो 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 चलो। सर ये बैनर सामने बांध देता हूँ, अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, बस हो गया हो गया। क्या हुआ रघु, गाड़ी क्यों रोक दी? क्या हुआ कुछ पता नहीं चल रहा सर, अचानक गाड़ी ही रुक गई है सर, स्टार्ट भी नहीं हो रही है। ओ, सब किस्मत का खेल है। ये कौन सी जगह है टीचर? पूरा जंगल है चारों तरफ। सर लगता है हम जंगल में फंस गए हैं सर। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यह अन्नपूर्णा है, हाथियों के आने जाने की जगह, यहाँ से हमारा बचकर निकलना बड़ा मुश्किल है। पता नहीं इसी जगह गाड़ी क्यों बंद हो गई। भाई गाड़ी स्टार्ट होगी कि नहीं? नीचे उतर के धक्का ही मारना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं है भाई, बस स्टार्ट होने वाली नहीं है। अब एक काम करते हैं, गाड़ी को धक्का मार के साइड में कर देते हैं। अब क्या करेंगे रघु? अब यहाँ इस जंगल में क्या करेंगे, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं यहाँ से। हाँ चलो चलते हैं। बेटी क्या हुआ? जरा यहाँ पर आओ, कुछ बच्चे लोग इधर ही आ रहे। कौन बच्चे लोग हैं? मुझे लगता है ये लोग शायद टूरिस्ट होंगे। अरे अगर वो लोग यहाँ आ रहे हैं तो खिलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी हो आने दीजिए, आने के बाद देखेंगे। चुपचाप चलते रहो ना।
अंकल चाय है क्या? अरे वो दूध खत्म हो गया है, काली चाय बना दूं तो चलेगी? अरे कोई बात नहीं, काली पी लेंगे, कुछ तो मिलेगी। चलेगा चलेगा, जो कुछ भी मिल सकता है वो दे दीजिए, आप बनाइए। अगर ऐसी बात हो तो जाइए, आप सब बैठ जाइए, जाइए जाइए। अभी बनाओ। चलो पकड़ो इसे, बाहर निकालो। चलिए हाथ लगा लो। अरे बेटी वो जरा बॉयलर को जला दो। तू यहाँ बैठना। नमस्ते नमस्ते, ठीक है। हाँ बैठ जा। इतना अच्छा लग रहा ना बैठ के। हाँ बैठिए। हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। वैसे सर जी क्या बात है, आप लोग इस रास्ते पर हैं? हम लोग सितूर से हैं। ये सारे बच्चे आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे हैं। हम सब टूर पे जा रहे थे लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, अब हमारे पास कोई चारा नहीं था तो यहाँ रोक गए। वैसे यहाँ पे कोई मैकेनिक है क्या? अरे हाँ, अरे भाई अपना जो तीसरा गाय का जंक्शन है वहाँ एक गैराज है, वो कल संडे ना इसलिए जल्दी बंद करके चला गया है। अरे बेटी काली चाय ला करके सर को दे दो। पहले इन्हें चाय दो। हाँ दो, इधर दो। ऐसा लगता है गाड़ी एक दिन के बाद ही बन पाए क्या? क्या करें सर बताइए, क्या कर सकते? चलो हमें चाय मिल गई, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। सर आप लीजिए ना। चाय तो बहुत बढ़िया है। वो क्या है कि मेरी बेटी ने ही बनाया है। सुनिए यहाँ आसपास कोई होटल मिलेगा क्या? यहाँ पास में कोई होटल लॉज कुछ भी नहीं है, उसके लिए हमें नीचे जाना होगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये सारे बच्चे तो हमारे साथ हैं। आप जरा शांत रहिए ना, मुझे सोचने दीजिए। हम लोग तो लड़के, हम लोग तो कहीं भी सो जाएंगे, पर हम लोग के साथ जो लड़कियाँ हैं बेचारी वो कहाँ पर सोएंगी? यहाँ तो फोन में रेंज भी नहीं मिल रहा है, हम घर पे कैसे फोन करके बता सकते हैं? चुप रहो यार, घर पर बताकर टेंशन क्यों देना है तुम्हें? पिताजी इन्हें उस बंगले में ठहराएंगे क्या? नहीं वो ठीक नहीं रहेगा, बंगले में गए तो वहाँ सबके ठहरने की सुविधा नहीं है। वो आप जो बोल रहे हैं वो ठीक ही है, लेकिन उस बंगले के अलावा कोई दूसरी सुविधा है ही नहीं। फिर जो बेटी ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है। ठीक नहीं है फिर भी ठीक है। ये जो बंगले की बात बोल रहे हैं ना, एकदम नंबर वन बंगला है, वो भी ब्रिटिश के जमाने से। अरे वो छोड़ो, आगे की बात बताओ। अभी उस बंगले को कोई दूसरा संभाल रहा है, लेकिन तुम सभी वहाँ ठहर सकते हो, सारी सुविधा तो है ही, लेकिन आप लोग उसमें खुश रहेंगे ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। जगह चाहे जैसी भी हो लेकिन हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ओ किसी सेफ जगह पे पहुँच जाए, अभी तो इतना ही काफी। सही कहा, तो फिर हम इन्हें वहाँ भेज देते हैं पिताजी। मेरी बच्ची ये ठीक नहीं लग रहा है। वहाँ दूसरा कोई है क्या? वहाँ पर सिर्फ दो नौकर है, उसे आप लोग थोड़ा पैसा देंगे तो आप लोग के लिए अच्छा खाना बना कर दे देगा। वहाँ पे लेके कौन जाएगा? अरे ये मोहन जी उस रास्ते जाएंगे ना, मैं कहीं नहीं जा रहा। समय ये आपको वो बंगला जरूर दिखा देंगे, ठीक है? एक काम कीजिए, आप सब लोग जाइए, ठीक है? मैं यहाँ गाड़ी में ही सो जाता हूँ, नहीं तो सुबह तक गाड़ी का नट बोल्ट भी नहीं बचने वाला है। बिना नट बोल्ट के यहाँ कई गाड़ियाँ पड़ी हैं सर, आप उस बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जाओ सब लोग आराम से सो जाओ, बाद में मिलता हूँ सुबह। चलो 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 चलो, आराम से आराम से, टेंशन नहीं। चलो चलो, हाँ आराम से आराम से, चलो हाँ ठीक है, चलो चलो हाँ ठीक है ठीक है। ध्यान रखना सबका। सब कितने अच्छे लोग हैं, है ना? सब अच्छे घरों के हैं अंकल। लो भाई हम लोग पहुंच ही गए, ये जो दिख रहा ना यही बंगला है ये। आ जाइए आइए। ये कैसा बंगला है यार, ये तो बिल्कुल भूत बंगले जैसा दिखाई दे रहा है। हाँ ऐसा कह सकते हैं आप। सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर है करके कहेंगे तो समझो है, उसकी एक कहानी है जिसे मैं कहने जाऊंगा तो वक्त बीत जाएगा। तुम लोग बिल्कुल डरो मत, चलो अंदर चलो। चलो रात ही तो गुजारनी है। वेलो वेलो, जोर से आवाज लगाइए। बेलू, अरे बेलू लगता है कोई बुला रहा है, कौन है जाकर देख जरा। जाना कौन है? ए, तुम्हारा नाम लेके बुला रहा है? मेरा नाम लेकर बुला रहा है? चलो चल के देखते हैं। चलो चल कर देखते हैं। हाँ चलो। अच्छा सुनो ना, ये बंगला थोड़ा अजीब सा नहीं दिख रहा है क्या? अबे मेरी बात सुन, चुप हो जा तू। मास्टर जी आप हैं क्या? मुझे लगा तो तुमने क्या सोचा? मुझे लगा कोई भूत भूत होगा। अच्छा हुआ आपने नाम लेके बुला लिया। अरे तुम भी इस तरह सोचने लग गए तो क्या होगा। चलिए 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 अंदर, सब लोग आइए 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 सर आइए।
बैठिए सर। आइए बैठिए बैठिए। ठीक है, नमस्ते। अंदर से तो काफी अच्छा है। बहुत अच्छा है। ठीक है यार, तो काफी अच्छा है, काफी अच्छा है ना। बहुत बढ़िया है, इधर से कितना मस्त लग रहा है ना। क्या बात है, लगता है हम लोग इधर फंस गए हैं यार। जब से यहाँ आए हैं भूत की बात चल रही है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। अरे कभी कभी भ्रम भी सच में बदल जाता है यार। सच में? सही कह रहा हूँ। अरे कितना अच्छा लोकेशन है, मुझे तो यहाँ सेफ लग रहा है। कहाँ अच्छा लोकेशन है यार, जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं तब से सब भूत की बात कर रहे हैं। ये सब लोग कौन है मास्टर? ये सब लोग काफी दूर से आए हैं, आज ये लोग यहीं पर ठहरना चाहते हैं। ठीक है ना, इन्हें जो चाहिए मैं बना कर दूंगा। सुन लिया ना जानू, ये सब मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, इनको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे तो इसमें क्या है, हो जाएगा। आप लोग यहीं रुकिए, मैं रसोई में देख के आती हूँ। अरे जानू एक मिनट ठहरो, सर मैं जानू के साथ कुछ बात करके आता हूँ, मैं बस मैं अभी आ रहा हूँ। अरे जानू, जानू ये मेरी बदनसीबी है कि मैं इन सब लोगों को मिल गया। मतलब? अरे ये सब उस दामोदर की लड़की का काम है। ऐसा क्या? हाँ। वैसे अगर ये लोग नहीं आते तो मैं अकेले आने की सोच रहा था। आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं ना। अरे इतने लोगों के होते मैं यहाँ कैसे आ पाऊंगा? बिना कभी भी दीवार पार करके आते है ना, बड़े आए। तो फिर मैं रसोई तक आ जाऊंगा। ठीक है, आ जाओ। आना ही है ना। ठीक है, आ जाता हूँ। ये प्रदीप और राजू का? सर वो लोग बाहर कुछ बातें कर रहे हैं। टाइम देखते हैं ना, मौका बस यहाँ वहाँ चले जाते हैं। सुनिए सर, आप लोग को जो भी खाना है उस खाने के बारे में मैंने जानू को समझा दिया है। हम जल्दी यहाँ आ गए हैं इसलिए आप लोग की पसंद का खाना बन पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने हमारी बहुत मदद की। हम लोग टूर के लिए निकले थे और यहाँ पहुँच गए। 4-5 दिन का टूर है। पहले पंबा जाना था, फिर वहाँ से जंगल की थोड़ी सी यात्रा, वहाँ पर आउटडोर की रिसर्च करनी थी और उसके बारे में थोड़ा सा लिखना था, पर सब कुछ गड़बड़ हो गया। सारी प्लानिंग। अरे आप भी ना, औषध दवा जड़ी बूटी के बारे में जानना है ना, उसका इंतजाम मैं कर दूंगा। यहाँ एक बुजुर्ग है, जंगल में चल चल के जड़ी बूटी निकाल के दवा बना के बेचना ही उनका धंधा है, उसको मैं समझा दूंगा। भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है। यही ना बात। फिर भी आप उन बुजुर्ग से बात कर लीजिए, अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वो हम दे देंगे। ठीक है ना? ठीक है मास्टर जी। ठीक, अभी समय ज्यादा हो गया, घर में सब वेट कर रहे होंगे, तो फिर सबको मेरा गुड नाइट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मास्टर जी सुनो, जरा रुकिए तो। एक मिनट मास्टर जी। क्या है? आपने इनको पूरी बात समझा दी है ना? बात क्या? वो पैसे की बात। वो बात करके मैंने रखी है, मेरा कमीशन साइड में रख देना। ठीक है ना मास्टर जी? आप भी ना। मैं अंदर जाता हूँ। पैसे में बराबरी होनी चाहिए। सर सर, रात के खाने में रोटी या पराठा मिलेगा क्या? अरे जो मिल रहा है वही बहुत है। अरे बिलू भाई, हम लोग जब से यहाँ पर आए हैं तब से भूत की बात चल रही है, अगर यहाँ सच में भूत हुआ तो? अगर मगर का तो सवाल ही नहीं है। पहले यहाँ एक घटना हुई थी, उसी का प्रभाव है। कितनी पहले की बात है? अरे पहले मतलब बहुत पहले, ये ब्रिटिश जमाने की बात है। ए बेलू, इन लोगों को फालतू में डराओ मत, आप लोग इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये कभी भी होश में नहीं रहता। चलिए मैं आप लोगों को कमरा दिखाती हूँ, नीचे 2 कमरे हैं, सब कुछ ठीक से रखा है मैंने, टीचर और लड़कियाँ वहाँ सो सकती हैं। तो फिर ऊपर के 2 रूम हम लड़कों को दे देते हैं और 1 रूम सर को दे देते हैं। पहलू तुम इन्हें जाकर दिखा। आप लगाइए मेरे साथ। आइए आइए, चलो चलते हैं। यहाँ का क्लाइमेट कितना अच्छा है ना, मुझे ये जगह सच में बहुत पसंद आई है। सच में ये जगह बहुत अच्छी है, मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। मैम यहाँ जड़ी बूटी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हाँ यार। क्या तारीफ कर रही हो, ये तो किसी लाश की खुशबू की तरह लग रही है। ओए पैजी अंकल, तुझे मैं आग में उठाकर फेंक दूंगी, बाद में कुछ बोलना मत। देखा कैसे चिल्ला रही है मेरे ऊपर, इस देश में सच बोलना कोई गुनाह होता है क्या? ब्लैक टी ब्लैक कॉफी सब तैयार है। सारी चाय जड़ी बूटी की है, इस
स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। एक एक करके सब ले लीजिए। ये जानू की चाय है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। ये चाय तो बहुत अच्छी है, बहुत ही टेस्टी है। लीजिए। अरे भाई रुको, सबको मिलेगी सबको मिलेगी सबको मिलेगी। अरे रुको रुको रुको, वैसे ये अंकल कौन है? अरे मैं हूँ अंकल। वैसे तो अंकल बनना अच्छी बात है, पर उसके लिए बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर ऐसा हुआ तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है ना। तो फिर कैसा है? वो एक बहुत बड़ी कहानी है। इसकी पास कहानियां तो बड़ी अच्छी, क्योंकि इसके पापा बहुत बड़े डॉक्टर थे। अच्छा, तो इसीलिए उसको ऐसा कहते हैं। पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। इसका सपना था कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बने, पर इसने अपने पिताजी को बिना बताए ही आयुर्वेदिक की डिग्री ले ली, और डिग्री खत्म होने के बाद बताया उन्हें, और तब तक इसकी उम्र काफी बड़ी हो चुकी थी, इसीलिए हम लोग इसे अंकल बोलते हैं। तो फिर आपका असली नाम क्या है? पद्मासनन। पद्मासनन पद्मासनन पद्मासनन। अच्छी, ये भी कोई नाम होता? तो पद्मासनन बोलो। अंकल मैं यही कहूँगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है ना? हा? बेटा वेलू, तुम जरा संभल के रहना मुझसे। यहाँ जाने से पहले तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा मैं। अगर पाई जी कुछ बोलता है तो उसे पूरा करके ही मानता है वो। मैं यहाँ से कल्टी करता हूँ। निकल लो निकल लो यहाँ से। आप लोग चाय पीजिए। वेलू भाई मत जाइए ना प्लीज। तो क्या करूँ? आपने पहले एक बात बताई थी ना कि यहाँ दुर्घटना से एक मौत हुई है, वो सच है क्या? सच नहीं है तो और क्या? अभी तक पूरा नहीं बताया। वैसे मैंने कहाँ तक बताया था? ब्रिटिश के जमाने के बाद में रोका था। हाँ, ब्रिटिश के जमाने में यहाँ सब जगह चाय की खेती होती थी। चाय के बगान में काम करने वालों में एक खूबसूरत लड़की भी हुआ करती थी, उसका नाम था वाणी। वाणी बहुत अच्छा नाम है। उस वाणी की कहानी ये है कि बंगले में ठहरने वाले एक ब्रिटिश आदमी की वाणी पर नजर पड़ गई। मतलब? वही नजर का मतलब? अरे वही ना जिसे प्रेम कहते हैं। हाँ कुछ वैसा ही हुआ था। अब चुप रहो, मुझे बोलने दो। हाँ बोलो बोलो। उस अंग्रेज कर्नल के दिल में मोहब्बत की आग भड़क गई। सोचा इसे कैसे फंसाऊं, फंसा ही नहीं पा रहा था। वो लड़की इतनी स्ट्रांग थी क्या? हाँ थी, और उसने भाव नहीं दिया तो वो ब्रिटिश कर्नल चुपचाप उसे यहाँ से उठा कर ले गया। उसके बाद? इसके बाद भी उसने भाव नहीं दिया तो साहब को गुस्सा आ गया और उसने गला दबाकर उसे मार दिया और कुछ जोर जोर से रोने लगा। दुख में रोया हुआ आदमी भला उसे मारेगा क्यों? क्या भाई, अगर साहब के दिल को खुशी नहीं मिली तो उसके मरने पे रोएगा ही ना। इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती। मुझे जो पता था मैंने बता दिया। तो फिर यही हुआ है क्या? हाँ यही हुआ था, पर इतने साल बीतने के बाद भी उसकी आत्मा अभी तक यहाँ पर है। क्या आपने कभी देखा है वाणी की आत्मा को? एक बार नहीं। ओह, मैंने कई बार देखा है। वो एक दूसरे के सामने खड़े होकर देखते रहते हैं, पर मैं किस्मत वाला हूँ, उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं किया। अक्सर यहाँ आसपास वो घूमती रहती है। हाँ, सबने चाय पी ली ना, चलो अंदर चलते हैं। हाँ खाना तैयार है, चलो एक बार और बतानी है आपको। अरे खाना तैयार है, आप लोग जल्दी चलिए। सालन अरे भाई सबको दो। और लीजिए। हो गया? हाँ। हाँ। किसी को चाहिए? लो, आप भी लो। उनको भी दो। अच्छा, अरे अच्छे से खा लो ना। इन्हें दो, इन्हें। फिर बाद में मिलेगा नहीं, याद रखना। चलो पेट पूजा कर लेता हूँ। अरे और लेकर खाओ ना। तुम क्यों नहीं खा रहे ठीक से? अरे वहाँ देखो क्या है। कोई तो खिड़की के बाहर मुझे छुपने जैसा दिख रहा है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। अरे तुम भी ना, मैंने सच में देखा। अरे तो फिर वो वाणी हो सकती है ना। हाँ सही कहा, वो कहीं भी कभी भी आ सकती है। कभी तो वो आपके पीछे आकर खड़ी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे ये क्या, ये तो कुछ भी बोलता रहता है। इसकी बात सुनकर आप लोग डरिए मत। रवि सर आप ठीक से खा नहीं रहे हैं? नहीं, इसकी बातों से ही पेट भर गया। अच्छा ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो घटना कैसे संभव हुई? संभव? कौन सी घटना? याद नहीं है पिछली बार जो रसोई में फूल निकाल के रखा था? फूल? हाँ, वो जो केले का फूल था, मैंने वहाँ नहीं रखा था। पता है हम लोगों ने देखा आधी रात को रसोई में केले का फूल। अब तुम चुप क्यों हो गई? जीभ में ताला लगा है? वाणी का स्वभाव क्या है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर उसे कुछ करना है तो किसी के शरीर में घुस जाएगी, उसके बाद
वो अपना काम उस शरीर के जरिए पूरा कर लेगी। उदाहरण के लिए उसे कुछ खाना होगा तो किसी के माध्यम से खाएगी। इसी तरह से वो सारे काम करती है। अगर पानी पीना होगा तो पहले किसी के शरीर में घुस जाएगी और आराम से पानी पिएगी। टीचर नहीं, मुझे जितनी जरूरत थी मैंने उतना ही पिया। टीचर क्या आपने कभी हम लोगों को इतना पानी पीते हुए देखा है? हाँ, ये हुई ना बात। ऐसे में आदमी इतना पानी पीता है जो सामान्य स्थिति में नहीं पीता। सोचिए, पानी की प्यास की वजह से आदमी ज्यादा पानी पीने लगता है। हाँ, सिर्फ पानी की बात नहीं है, वो और कुछ भी हो सकता है। आदमी कुछ भी ज्यादा खाने या पीने लगे तो समझ लो पानी उसके अंदर है। ये क्या बोल रहा है? अरे बस करना, कब से देख रहा हूँ तू खाई जा रहा है, कितना खाएगा? अरे देखना। कहानी और आगे सुनाओ। अरे सुनो, इतना बहुत है, मेरा हो गया। नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं, अपनी बात खत्म करता हूँ, लेकिन उससे पहले आखिरी बात सुन लो। एक बार क्या हुआ, ये जो जानू है ना, ये सो रही थी वो इस कमरे में, और जब सुबह उठी तो पता चला वो ड्राइंग रूम में है। सोते में एक कमरे से दूसरे कमरे में आ गई। बदन पे रेशमी साड़ी आ गई थी, सर पे गजरा सजा हुआ था, लिपस्टिक लगी हुई थी जो रात को इसने लगाई नहीं थी। हाँ सही बोला ये। अरे खाना पसंद आया क्या? अरे इस समय खाना बना कर लाए, यही बहुत बड़ा उपकार है, नहीं तो पता नहीं क्या होता। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबकी जिंदगी में खाना बहुत बड़ी बात है ना। तो फिर मैं वहीं जाता हूँ। अरे इस वक्त तुम कहाँ जाओगे? गाड़ी में सोने के लिए। अरे वो शिकार करने वाले जंगल में घुमा करते हैं, मत जाओ। तो फिर मुझे कहाँ सोना चाहिए? वैसे यहाँ कोई सुविधा तो नहीं है, अगर चाहो तो तुम यहाँ सो सकते हो। बेकार में आपको तकलीफ क्यों दूं? अरे कोई बात नहीं बेटी, जरा एक चटाई और तकिया ला करके भाई साहब को दे दो। अरे मैं ये बोल रहा था कि हाँ ठीक है ठीक, तुम यहाँ बैठो, जो चटाई तकिया ला करके दे दो बेटा। आजकल तुम्हारा खेल कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है वेलू। मैंने क्या किया? फिर क्या, इस तरह बोलकर उन बच्चों को डराने की क्या जरूरत थी? हाँ डराया कहाँ है, मैंने तो सच बताया। अगर ऐसा नहीं बोलता तो हमारे खाने के लाले पड़ जाते। फिर भी इतना जो किया वो नहीं चाहिए था। मुझे तो लगता है वो जल्दी निकल जाएंगे। तुम हमेशा अपने काम पर ही ध्यान देते हो। अरे इसमें जो भर रखा था कांजी वो गायब है। अरे कांजी गायब है बोल रही हूँ। क्या कह रही हो, मैंने तो कुछ खाया नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं वाणी सच में यहाँ पर आ गई हो? चुप रहो तुम, जब देखो बकवास वाणी 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 करते रहते हो। अरे मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। ये क्या कर रही हो तुम, इधर किधर आ रही हो? तो फिर मैं कहाँ जाकर सोऊं? मैं तुम लोगों के बीच में ही सोने वाली हूँ। डर लग रहा है क्या, इसीलिए बीच में सोने की बात कर रही हो? ओ, ऐसा ही समझ लो, मुझे डर लगता है तुम्हें पता है ना। और वैसे भी वेलू भाई ने जो बोला याद है ना तुम लोगों को? आज रात सोने के बाद ये भी नहीं पता कि कल हम सुबह उठेंगे या नहीं। तो एक काम करो, तुम जाकर प्रदीप के बगल में सो जाओ। तुम चुप रहो पागल। अरे सुनो, यहाँ पे जो आत्मा वाली कहानी है ये सब सच है क्या? मेरे दिल से वो हट नहीं रहा। तुम ना फालतू की बकवास बंद करो और सुनो, लाइट ऑफ करके आना। ए सुनो, क्या हुआ तुम्हें, कोई आवाज सुनी क्या तुमने? कैसी आवाज? लगता है कोई खिड़की के पास आ रहा हो, सुनो ना। भूत प्रेत आत्मा से मेरी रक्षा करना। अगर यहाँ से किसी को भी जाना होगा तो मेरे सीने पर पैर रखकर जाना होगा। हे भगवान, मेरी किडनी अतड़ियों की रक्षा करना। बेटा तुम लोग अभी तक सोए क्यों नहीं?
वक्त क्या हो रहा है पता है? कुछ नहीं मैम, वो वेलू भाई ने जो कहा हम उसी के बारे में सोच रहे थे। अरे वो सब बेकार की बातें हैं, हैं? नहीं मैम, जिसका शरीर नहीं है उसकी आत्मा हमें कैसे परेशान कर सकती है? इसके अलावा दूसरा सवाल नहीं है, फालतू की बातें पूछती रहती हो। मैं बताती हूँ, जिस आत्मा का शरीर नहीं होना वो आत्मा दूसरे के शरीर में घुसकर अपनी ख्वाहिशें पूरी करती है। जो भी उस आत्मा की अधूरी ख्वाहिशें होती है। फेंकना यार। ए, पत्ता फेंकना। अरे सुन, तुझे बाहर चिल्लाने की आवाज आ रही है क्या? ए, तू चुपचाप खेलना। सच में कोई आवाज आ रही है? हाँ, बड़ा आया सुनने वाला। अरे चुप करना, मेरी बात मानी, कोई चिल्ला रहा है। लगता है ये हारने वाला है, इसीलिए बहाना बना रहा है। शे, क्या यार, जोकर ही नहीं आ रहा है। अरे रमेश का पत्ता गिरा दो, जोकर तुम्हें घर ढूंढ कर आएगा। प्यास बहुत लगी है, यहाँ कोई पानी पिलाने वाला नहीं है क्या? ए, तू खुद जाकर पी लेना वहाँ पर पानी। जब पत्ते खेलने आया तो पानी लेकर आना चाहिए था ना उसी समय। मैं जाके खुद पी लेता हूँ। भाई एक जोकर गिरा कर जाओ ना। क्या जोकर के पीछे पड़े हो? ये लो जोकर, ये भी लो, ये भी लो, ये सब 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 लो, सब तुम्हारे, मजे करो तुम। हाँ नहीं तो अरे आ रहा हूँ, अब नहीं खेलूंगा। अरे बिजली कैसे चली गई, अंधेरा हो गया, अब क्या करूं? कुछ दिख नहीं रहा है, क्या करूं? कौन हो तुम? मैं हूँ यार। मैं का मतलब वाणी है क्या? अरे मैं पाई जी, तुम कौन हो यार? अरे मैं हूँ। मतलब वाणी है क्या? नहीं नहीं वेलू। वेलू, तुम यहाँ पर क्यों सोए हुए हो? जानता था तेरे जैसे हरामखोर इस वक्त यहाँ जरूर आएंगे, इसीलिए बताओ क्या करने आए थे? अरे मैं पानी पीने के लिए आया था यहाँ। अच्छा, मैंने घाट घाट का पानी पिया हुआ। हाँ। अरे मैं सच में पानी पीने आया था भाई। हाँ तो मैं भी सच में पानी की बात कर रहा हूँ, डुप्लीकेट पानी की नहीं कर रहा हूँ। क्या है? कौन हो? अरे मैं ही हूँ। मैं का मतलब वाणी क्या? वाणी है क्या? अरे नहीं जानू। अरे क्यों अंधेरे में आकर डरा रही हो? आने से पहले लाइट नहीं जला सकती थी? अरे यहाँ पे करंट नहीं है। तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम बटन दबाओ। अरे बिजली आ गई। अच्छा तुम दोनों हो? अरे तुम्हारी परेशानी क्या है? अरे मैं तो यहाँ पर पानी पीने के लिए आया था। अरे जब ये आया तो मुझे लगा कि किडनी गई, इतना भारी आदमी पेट पे चढ़ गया था मेरे, मुझे लगा कि वाणी आ गई है। कुछ भी कहने को बोलो तो वाणी वाणी करते रहते हो। ए अपनी बकवास बंद कर समझे, आधी रात में नींद खराब करने के लिए आ जाते हैं ये जानवर। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। तुम्हें अब भी पानी पीना है क्या? मेरी प्यास बुझ गई भैया। आवाज अभी भी आ रही है। ए, ये तू क्या बात कर रहा है यार? ये आवाज मैंने भी पहले सुनी थी। तुम लोग अभी सोए नहीं क्या? अरे हम लोग कैसे सो पाएंगे, जैसे आँख बंद करते हैं वाणी आके खड़ी हो जाती है। सो जाओ, वाणी वाणी करते रहते हो। मैंने नहीं देखा पर मुझे महसूस हो रहा है। अरे तुमने जो बोला वो सच है क्या? अरे चुपचाप सो जाओ यार, रात को परेशान करते रहते हो, वाणी वाणी चिल्लाते। यहाँ पे कितने भी कपड़े पहन लो ना, ठंड नहीं कम होने वाली है, याद रखना।
इसकी ठंडी कम नहीं हो रही है और ऊपर से हमें सलाह दे रहा है। अरे मैंने तुमसे बोला था ना, अगर बोला होता तो मैं लेकर आता। अब तुमने ही बोला था कि मैं लेकर आऊंगा, खरीद कर लाऊंगा। तुम लोगों को नींद नहीं आ रही है क्या? सो जाओ यार। तुमने टैप बंद किया था क्या? हाँ मैंने तो टैप बंद किया था, मैं जाकर देख कर आता। रुको रुको मत जाओ, तुम रुको मत जाओ। अरे तू चुप रह यार, मेरी बात तो पूरा बंद है। अरे अरे सुनो मत जाओ। सुन वो फ्रंटल का आवाज है। अरे यार मुझे तो ये लगा कि वानी इधर ही आ गई। जरा वो टॉवल देना भाई, मेरी जान जा रही है, तुझे टॉवल की सूझी है। तूने सही कहा। बाप रे जॉगिंग नहीं गए क्या? क्या है? रात भर में सोया नहीं और तुम जॉगिंग की बात कर रही हो? तुम लोग ठीक से क्यों नहीं सो पाए? डर रहे थे क्या? अरे हम लोग किससे डरेंगे, हम लोग रात भर पाईजी से बात कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, इसीलिए सो नहीं पाए। वैसे तुम मेरे साथ ये खेल खेलोगी क्या? अरे मुझे जाने दो, मैं नहीं आऊंगी। तुम्हें नहीं आना कोई बात नहीं, सुनो तुम आओगी क्या? मुझे भी छोड़ दो बाबा। अगर मैं किसी को पसंद ही नहीं तो जाने दो। वैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोगों को परेशानी तो नहीं? किसको परेशानी होगी, वैसे तुम भी वही चाहते होगे ना? क्या चाहता हूँ? कुछ। क्या पढ़ रहा है? वही लिखा होगा, बलात्कार मारपीट और क्या। अरे ठीक कह रहे हो, जनता भी तो वही चाहती है ना। अरे दामू भाई ये जो लोग भाग कर आ रहे हैं ये कौन है? इससे पहले इन लोगों को नहीं देखा। अरे वो कॉलेज के बच्चे लोग हैं, उन लोगों की गाड़ी खराब हो गई तो मैंने बंगले में उन लोग के रहने का इंतजाम कर दिया है। बस बहुत हुआ, हम यहीं पर रुकते हैं। हम लोग बस यहीं पर जा रहे हैं। अरे तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो? चलो हम लोग चाय पीने चलते हैं। अरे रुको। हाँ चलिए। अरे यार बहुत थक गया यार। बिल्कुल अंकल, तीन चाय। हाँ देता हूँ। खाने के लिए कुछ चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं सीधे जाके ब्रेकफास्ट करूंगा। आपको कैसा लग रहा है वो बंगला बताएंगे? अरे सुपर, बोलने से अच्छा है एकदम बढ़िया है। कुछ भी कहो, ये त्रिशूल जिला बहुत हरा भरा है। अरे कैसी हरियाली? अरे हर तरह की हरियाली अंकल। अंकल हम लोग फिर से यहाँ पर आएंगे, हमें ये जगह बहुत पसंद आई है। मैंने सुना है वहाँ पर भूत प्रेत वगैरह है। भूत? नहीं हमने तो कोई भूत नहीं देखा, कल रात को बहुत आराम से सोए थे, खूब बढ़िया नींद आई थी, कोई भूत नहीं, कोई डर नहीं। अच्छा सुनो चलो चलते हैं। अंकल पैसे कितने हुए? सब मिला के 21 रुपए होगा बेटा। अरे बाप रे मैं तो बोलने के लिए ही भूल गया। हाँ हाँ याद आया याद आया, आप लोग के साथ जो वो आए थे ना वो रघु। हाँ रघु। हाँ हाँ रघु रघु, वो आदमी यहीं पर सोया था, सुबह उठकर देखा तो वो आदमी यहाँ नहीं है। ओ, अरे वो बस को देखने के लिए गया होगा, जंगल में खड़ी है ना, इसीलिए गया होगा। ए, चलो चलते हैं। अरे वहीं पर रख दो ना। चलो अंकल ये लीजिए पैसे, ठीक है बाय। चलो एक रुपया वो हमें नहीं चाहिए, चलो जाने दो। ए, 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 चल, अरे चलो चलते हैं। क्या यार बच्चों के साथ खेल रहा है तू? अरे उन लोग बाद में आ जाएंगे, चलो हम चलते हैं। अरे रुको रुको हम भी आते हैं। अरे रुको। अरे यार जल्दी चलो ना, चलो जल्दी आ जल्दी आ। क्या कर रही है? यहाँ देखना। अरे जल्दी से जल्दी। अरे उसे देखा क्या? मैं पूछ रहा हूँ, देखो कैसे बहाना बना के बैठा हुआ है, कसम से बहुत बहानेबाज है। आ जाओ। हाँ चलो बताते उसको। क्या बात है दोस्त? अरे तुम लोग जॉगिंग करके आ गए क्या? मैं सोच रहा था कि इन लोगों के साथ एक खेल खेल लूं। हम लोगों को पता है सब कुछ। अरे शरम नाम की चीज नहीं है, लड़कियों को ऐसे घूर रहे हो। चुप करो ना पाई जी अंकल, फालतू में मजाक करते हो। ए, अंकल बोल के मेरा मजाक मत उड़ा समझा। 14 सेकंड से ज्यादा लड़कियों को घूरना कानूनन अपराध होता है और तुम घंटे घंटे बैठकर देखते रहते हो यहाँ। इंडियन पिनल कोड में इसकी सजा क्या है पता है तुम्हें? अरे पाई जी छोड़ो, जाने दो ना, उसकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है। इसका पनिशमेंट हम देंगे, उसका वो जो पुराना नाम था ना, और वो क्या, उसे हम ठीक करेंगे।
चोरी करने वाला वीरू। सही कहा। कमाल के आदमी हो। मैंने जैसे पहले बताया था ना, उसी तरह से बताइएगा। जी हाँ। ये लोग तो अभी तक खेल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, कम हियर। हाँ, सब लोग आ गए ना? ठीक है, हम लोग सफर के लिए निकल रहे हैं, जंगल के लिए। वहाँ पर सबको फ्रेश हवा मिलेगी। मेडिसिन प्लांट के बदले किसी बुजुर्ग से बात करने की सलाह दी थी। हाँ, वो जब आएगा तब आएगा, हमें रेडी हो जाना चाहिए, हमें तैयार होना है। चलो 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 इस पौधे का हर पार्ट मेडिसिन है। इसके बारे में भी नोट कर लो। रुको, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ, साइलेंट। जिस काम के लिए आए हैं पहले वो करो। इसे मेडिसिन प्लांट के नाम से जाना जाता है। ओके सर, वहाँ जाएंगे तो शेर आएगा। शेर तो आएगा, तुम लोग उधर जाओ, मैं इस तरफ से जाता हूँ। सर सर, मुझे उस तरफ नहीं जाना सर। अरे देखो वो क्या है, क्या? अरे ये पूरा खाना खत्म कर देगा क्या? बच्चे आएंगे तो क्या खाएंगे? मुझे नहीं लगता वो आएंगे। सुनो, पहले अपने पेट के बारे में सोचो। हाँ। तुमने चाय पी ली क्या? कहाँ से जाके पीऊंगी। अरे तो पहले जाकर चाय पियो ना, बाकी काम बाद में करना। अच्छा सुनो, वैसे एक बात और थी। क्या बात है? जब उनसे पैसे लेना ना, तो अच्छी तरह से हिसाब करके लेना। हाँ। वैसे ये सब बातें मालिक को बताने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात दोहरा कर तुमने जो यहाँ के खाट तकिया बेचे हैं, पहले उसका हिसाब निकालो फिर बात करना। वो सब छोड़ो ना, इस बार जो मिलेगा वो हम बांट लेंगे। सच में? हाँ सच में। ऐसी बात है तो दो तीन पापड़ और खा सकते हो। अरे खा लो यार। तुम बच्चों की बात कर रही थी। अगर वो खत्म हो गया तो मैं थोड़ा चावल लेकर उपमा बनाकर खिला दूंगी उन्हें। है? क्या दिमाग भाई है, मानना पड़ेगा तुम्हें। ए, इधर इधर देखो ना, अब अच्छे से लिख लो, है ना? लिखना है ना सर। देखिए ये मुझे क्या मिला है। क्या है इसमें, कोई सुगंध नहीं आ रही? जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी। अरे ये कोई जड़ी बूटी वाली बूटी नहीं है, बेकार की चीजों पे टाइम वेस्ट मत करो। हाँ अच्छा सर, ये क्या है? हर पत्ता जड़ी बूटी नहीं होता। ठीक है सर, इस देश में जो नहीं मिलने वाला, अगर आप उसकी लिस्ट मुझे देंगे तो मैं कहाँ से लाऊंगा सर? हाँ तो ठीक है, लिखो। जो इस देश में कहीं नहीं पाया जाता ये वो है। इन पागलों को लेकर जाओ यहाँ से। ये लोग सर पूरी तरह से पागल है, छोड़िए ना सर। अच्छा सुनो। हाँ बोलिए। तुम्हें मुझे अलग से कहने की जरूरत नहीं है, तुम भी जाओ यहाँ से। ए रुको, मैं भी आता हूँ। अरे ध्यान से जाओ वरना लग जाएगा। ए, इन्हें कोई नहीं सुधार सकता। सर, मैं आपको डराने के लिए नहीं, ऐसे ही वो मैं। क्या है सर, इस जंगल में कोई दूसरा पौधा मिल ही नहीं रहा। मिलेगा मिलेगा, पर तुम शिकार बन जाओगे। जाओ यहाँ से। चले आते सवाल करने के लिए। ये कौन सी जड़ी बूटी है, चलो पूछते हैं। अरे इसी से पूछ लेते हैं, तुम बताओ ये कौन सी जड़ी बूटी है? ये खुजली का पत्ता है। इसे खुजलाना है। इससे तुम खुजालो बढ़िया हो जाएगा। मैं जाता हूँ। मारूंगी तुझे। दिखाओ जरा, तुम्हें सच में खुजली हो रही है? सच में क्या खुजली हो रही है? प्यार के दो फूल खिल रहे हैं, देख रहे हो ना? अरे अरे उधर देखो ना, इसकी खुशबू देखो कैसी है। इसकी पहचान इसकी खुशबू से ही होती है।
रंगा भाई, इस महीने के राशन का पैसा आपको मिला क्या? अरे कहाँ, ये महीना छोड़ो, पिछले महीने का भी नहीं मिला है। ये राशन की दुकान वाले भी ऐसे हैं। जो भी सामान है उसे चोर मार्केट में बेच देते हैं। पहले हमने आपको नहीं देखा ना, इसीलिए। सर यहाँ पे नए, कल ही उन्होंने चार्ज दिया है। ऐसा ही जोश, जरा दो चाय पिलवाई। तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो, बैठ जाओ चाय पियो। हाँ यहाँ बैठ। तुम्हारा नाम क्या है? दामू। दामू, यहाँ चंदन की लकड़ी चुराने वाले को जानते हो? सर मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। फिर भी एक एक करके सबको उठाऊंगा मैं। ये कौन है? मेरी बेटी है सर। वो क्या करती? वो टाउन के कंपनी में काम करती है। कैसी चाय बनाई? ये स्पेशल है। स्पेशल है, इसे चाय के पैसे दे दो। ये लो पैसे। नहीं, नहीं, सर, सर, बहुत स्ट्रेस है। क्या करेंगे सर? रख लो। सर 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 सुनिए सर, सर रहने दीजिए। ये पुलिस वाले भी ना सबको हिला के रखते हैं। क्या सबको हिला के रखेंगे? क्या बात है पिताजी, ये पुलिस यहाँ पर? अरे बेटी, आम तौर पर कोई भी यहाँ पुलिस वाले चार्ज लेते हैं तो वो लोग यहाँ आकर मेरे हाथों से चाय पीकर ही जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस गांव का चार्ज इन लोगों ने लिया है ना। और क्या, यहाँ पेड़ पर दो आम थे, शायद वो पागल ले गए होंगे। अकल ठिकाने लगा दूंगा उन्हें। ये देखो क्या कर रही है। अरे सुनो। हाँ बोलो। वो क्या है ना कि हम लोगों को आपके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पता थी। अच्छा, कोई बात नहीं, जान पहचान कर ले। वैसे भाई, बता सकते हो तुम्हारा असली नाम क्या है? असल नाम तो वेलू है। ये कौन सा वेलू है? जो बलखा के चलता उसे वेलू कहते हैं। वैसे इस नाम के पीछे भी एक कहानी है भाई। कहानी में एक दो शेर भी लेकर के आ जाइए, थोड़ा थ्रिल मिलेगा ना हम लोगों को। ओहो, ये बात है। ठीक है, बचपन में ना मैं बहुत बदमाश था और बल खा के चलता था। गांव वाले कहते थे बल खा के जा रहा है, बल खाते हुए जा रहा है, और बल खा के को छोटा किया तो बेलू हो गया। समझ गए ना? न्यू जनरेशन को कंफ्यूज करने के लिए बढ़िया नाम है। तो मैं क्या करूं? तो फिर आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव है माधोपुर, और अभी तक शादी नहीं हुई है, इसलिए अभी तक मेरे बच्चे भी नहीं है। इसके अंदर बच्चा पैदा करने वाली कोई भी हरकत नहीं है। सही कहा। वैसे एक बात पूछूं क्या? हम बोलो, क्या बात है भाई? वो आपका और जानू का कोई चक्कर चल रहा है क्या? छी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप भी अकेले, तो फिर कुछ ना कुछ तो चक्कर होना चाहिए ना भाई। देखो, आज तक बचपन से मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं है, और तुम लोग आज यहाँ पर आकर मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो। चलो जाने दो मुझे। भगवान, कैसा आदमी है, दिमाग में गंदगी भर रहे हैं। देखो भाई जी, हाँ, यही है इन लोगों के अंदर का डर, जिसको जलना नहीं आता उसको दीपा नहीं देने का। सही कहा तुमने। यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तुमने ठीक से देखा नहीं होगा, सच में यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ 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 हूँ मैं। क्या बात है, बताइए, खाने के लिए क्या चाहिए? नहीं अंकल, बस ऐसे ही घूमने के लिए हम लोग यहाँ आए थे, और कल से हम लोग ठीक से सोए भी नहीं है। पीठ की हड्डी दर्द हो रही क्या? वहाँ पर बहुत ज्यादा खटमल है, परेशान हो जाता हूँ मैं। सोने के लिए अगर कोई दवा मिली तो आपका बड़ा उपकार होगा हमारे ऊपर। समझ में आ गया। अच्छा, तो आपका ये मतलब है, वैसे सोने की दवा यहाँ मिलेगी, ये आपसे किसने कहा? वो क्या है कि हमें बेलू भाई ने आपके बारे में हमें सब कुछ बताया है। ठीक है,
बाद में दे दूंगा, लेकिन पुलिस को पता नहीं चलना चाहिए। अंकल आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए, सब हम लोग संभाल लेंगे अच्छे से। अच्छा हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग संभाल लेंगे। ठीक है, मैं संभालता हूँ, मैं संभालता हूँ। देखा मेरा टैलेंट, कैसे मैंने इस टकले को फंसा लिया। यस सक्सेस। आ रहा हूं। अरे अरे अरे, इसे खोलो मत, खोलो मत, बहुत ही बढ़िया माल। ये कौन सा माल है? ये बिल्कुल देशी माल है। हा? इसे पीने में बहुत मजा आएगा, एकदम आयुर्वेदिक मजा देगी, खुशी के साथ सो जाओगे। लेकिन एक मामला है। क्या मामला है? इसका दाम थोड़ा ज्यादा है। अरे कितना है पूछना? दाम कितना है बताइए अंकल। वैसे पहलू ने भेजा है तो कम से कम 500 दीजिए, काफी है। 500 रुपए? कोई बात नहीं अंकल, एक सेकंड रुकिए। हाँ दे दे। 500 रुपए। जाओ जाकर पियो। थैंक्स अंकल, बाय बाय। ठीक है ठीक, चलते हैं। पागल है ये लोग, 200 रुपए का माल 500 रुपए में लेकर जा रहे हैं। 500 दे गए, एकदम पागल है ये। लगता है सबके सब भिखारी हैं, किसी के बैग में एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। ये औरतों के बैग भी ना सब खाली हैं। इसमें कुछ मिल जाए। ओहो, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या लड़कियों के बैग छूते हुए? इसमें शर्म करने की क्या बात है, अगर कुछ मिला तो तुम्हें भी तो आधा दूंगा ना। अरे मतलब ये है कि कहीं उन बच्चों ने देख लिया तो फालतू में परेशानी हो जाएगी ना, इसीलिए। अरे वो कहाँ से देखेंगे, वो लोग तो वहाँ मैदान में खेल रहे हैं ना, खेल खत्म होगा तभी तो आएंगे। ऐसा क्या? और क्या? तुम इतने दुबले पतले से हो लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हें। फिर एक काम करो, वो भी चेक करो। अब मैं कोई बैग चेक नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सारे बैग चेक कर लिए, बेकार में टाइम खराब किया। कुछ भी नहीं मिला क्या? कहीं तो छुपा कर रखा होगा उन्होंने। इन लड़कों के बैग भी चेक करके देखूं क्या, शायद वो औरतों की तरह कंगाल ना हो। कोशिश करने में क्या बोला, ये बैग पड़ा है, इसमें जरूर कुछ मिलेगा। ये तो देसी दारू है, सुना है बड़ी जल्दी चढ़ जाती है, पर मैं भी कम नहीं हूँ, पूरी पी जाऊंगा। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। वेलो वेलो, अरे ये कहाँ खो गया वेलो? अरे बुढ़ाओ तुम यहाँ, ये क्या अपने बकरे के लिए ले जा रहे हो? ए, बेकार की बात मत कराओ। मोहन सर ने बताया है कोई मेहमान आया है, उन्हें जड़ी बूटी के बारे में जानकारी चाहिए, इसीलिए ढेर सारी जड़ी बूटी लेकर के आया हूँ उनको दिखाने के लिए। अच्छा तो इसलिए आए हो? हाँ। अभी तो यहीं आसपास ही थे। बुलाओ उनको। अरे सर सुनो बच्चों, इधर आओ, ये बुढ़ा आया है तुम्हारे लिए, आओ। इसमें क्या चने खाने? चुप रहो तुम। मोहन ने जिनके बारे में बताया था ये वही बुजुर्ग है ना? हाँ ठीक है रहने दो। नमस्कार जी, मैं हूँ गोबन। अरे सर जी, ये मोहन सर ने बोला था इसलिए लेकर आया। ठीक है, इतने से काम हो जाएगा ना? बस 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 रहने दीजिए, काफी है, जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा है। आपके मुंह से निकलते ही ये सामान ले आते हैं। वैसे जनाब इतनी चीजें इकट्ठी करने में आपको परेशानी तो बहुत हुई होगी। अरे कैसी बातें करते हैं आप,
मेरे प्यारे सर, वो जो पहाड़ के नीचे है ना, वहाँ से ऊपर जाकर ये सब इकट्ठा करता हूँ मैं। अरे ये कुल्ली मल है, कुल्ली मल में कहाँ है? अरे वो कुल्ली मल बोले तो वहाँ से थोड़ी दूर जाना है, वहाँ पुराने राजा का एक राज्य था, उन्होंने ही वो जंगल भी बसाया था। आपको पता है जंगल में खतरनाक जानवर भी थे, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने आकर काट पीट करके उसे चाय का बगीचा बना दिया। फिर भी वहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। कितने खुश हैं। आपकी बात सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। अपनी मर्जी से जो भी देंगे मुझे अच्छा लगेगा। इसे रख लो। मेहनत से तोड़ कर लाया, आपको देकर जा रहा हूँ। इस खुशी में अगर आप लोग हमें कुछ देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे बहुत खुशी भी मिलेगी। मेरे पास तो है नहीं, तुम्हारे पास है क्या? प्रदीप जरा पैसे देना। ओ, इतने पैसे रखकर चलते हो? ये 1000 रुपए, इससे पहले कभी इतने पैसे देखे? अब तो खुश ना? ठीक है ठीक है। मुझे भी देना। अरे पीने दो ना। तो मैं क्या नाक में डाल के खींचूं? अरे तो मैं क्या पीऊंगा, तेरी उम्र नहीं है ये सब पीने की। लगता है इसकी किस्मत में नहीं है ये सब पीने की। रुक रुक, वहां से गाने की आवाज आ रही है, लगता है कोई आ रहा है। कौन है? मैं पाई जी। सब गड़बड़ कर दिया ना। तेरा नाम बोलना है क्या? तुम जो सोच रहे हो वो यहाँ नहीं होगा, जाकर अपने काम पे ध्यान दो। लगता है ये मूड में नहीं है। क्या करें? चल निकल यहाँ से। चल चल चल। तो फिर रघु कल गाड़ी लेकर आएगा तो आप सब लोग चले जाएंगे? प्लान तो हमारा यही है, पर रघु को फोन कर रहे हैं वो उठा नहीं रहा है। अब उसके आने तक हमें वेट तो करना ही पड़ेगा। कुछ भी कहिए, लेकिन आप लोग से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। मास्टर आपका घर पास में है क्या? और क्या, पास में बोले तो थोड़ा दूर चलकर जाना होगा। वो जो पहाड़ दिख रहा है ना, बस उसके नीचे जाना है। आपको अकेले जाने के लिए डर नहीं लगता है क्या सर? डर क्या है, ऐसा पूछने से थोड़ा सा डर तो है, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ। पिक्चर का गाना गाते हुए सीधा चला जाता हूँ। सर आपने देखा है क्या? किसे? उसी वाणी को। कई बार देखा है, लेकिन उसने कभी मुझे परेशान नहीं किया। कभी कभार मैं एक अध्यापक हूँ, टीचर हूँ, उसने मुझे बिना परेशानी छोड़ दिया। कुछ भी हो, मैं भगवान से मनाती हूँ कि हमारा उसे सामना ना हो, बस हाँ। यही काफी है हमारे लिए। अरे जल्दी करो यार, अब रानी जा रहा है। ये जल्दी निकाल ना। अचार रेडी है। वेरी गुड, अचार रेडी है, ये लो जल्दी निकालो। अरे तुम लोगों ने अभी तक चटनी बनाई? ऐसे पार्टी मनाएंगे सोचकर बड़ा मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? अरे देख यार, होगा नीचे, देख यार, तो एकदम खतरनाक है। अरे कितना समय लगेगा निकालने में? लगता है क्या हुआ, माल नहीं है। क्या बोला, माल नहीं है? अबे थोड़ा अच्छे से देखना। अरे यार ये आदमी किसी काम के लायक नहीं है यार। अबे देख किसी पे होगा। सुन अकेले तो नहीं पी गया? अरे मैंने कुछ भी नहीं पिया। मार के दिखा चल। हाँ। नहीं है यार। अच्छा तू मार जरा, ये भी नहीं है। मैं भी नहीं हूँ। अरे माल किधर है? अरे इसी में तो रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे वेलू तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, थोड़ा पानी मिला करके पियो। अरे चखने के लिए क्या है भाई, देसी पैनी में भी कोई पानी मिलाता है क्या? नहीं है। मास्टर एक पैक और। अरे कुछ चखने के लिए ला। ये टमाटर और मिर्च लाने में कितनी परेशानी हुई ये मैं ही जानता हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, जा करके चखना लेकर के आओ, मैं यही सो जाता हूँ। चढ़ गई इसको। टॉप तो तुमने इसी में रखा था, अभी मिल क्यों नहीं रहा है तुम्हें? तुम जरा देखो। मैंने भी इसी में रखा था यार, नहीं मिल रहा है मुझे।
मेरा तो नया टॉप था वो भी गायब हो गया। यहाँ हमारे बैग से कपड़े कौन निकाल रहा है? मुझे ढूंढने दो। अरे ये किसकी टॉप है? अरे मैंने इसी में रखा था अपना लॉन्ग टॉप, वो मिला क्या? इसी में था। अंजू, सुमित्रा, तुम लोग बेकार में झगड़ा मत करो। तुम्हारा ड्रेस यहाँ रखा है, ये देखो। कहाँ पे? यहाँ आकर देखो तो सही। चलो 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 चलो, कहाँ पे है बताओ? कहाँ है यार, देखो तो। ड्रेस तो वहाँ है, हम परेशान हो रहे हैं। ये पक्का उन्हीं लोगों का काम होगा, चलो चल के उनकी खबर लेते हैं। वो सब बाद में सोचेंगे, चलो पहले ड्रेस लेके आते हैं। चलो ना तुम भी। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे डर लगता है। देखो मुझे नींद आ रही है, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, समझ गए ना तुम लोग? अब जाओ, गुड नाइट। अरे सुनो तो, तुम भी तो हमारे साथ चलो ना। लोग सुनो, अरे सुनो। अरे क्या हुआ? अरे आज जो लक्ष्मी है ना, वो गायब हो गई है। क्या टीचर, क्या हुआ यहाँ पर? कोई दिखाई नहीं दिया। वैसे वो लोग कब से गायब हैं? अरे आप लोग रोई जा रही, पहले ये बताइए कि वो कब से गायब है? लगता है रात से ही गायब है। उन लोगों के रूम में जो ड्रेस रखा था गायब है, जब हमने देखा तो बाहर पड़ा था, उसे निकालने के लिए गए थे। तब तुम उनके साथ नहीं गई थी क्या? नहीं, मैं कल बहुत थक गई थी। हाँ। तो मैं जल्दी सो गई। हाँ। सुबह उठकर देखा तो वो लोग नहीं थे। हमने उनको जंगल के कोने कोने में छाना, लेकिन कोई भी नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चले गए। चाहे कुछ भी हो जाए, वो जरूर आएंगे, और हम भी पूरी कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने की, ठीक है? क्यों ना हम पुलिस में कंप्लेन करें? हाँ, हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे, यही ठीक रहेगा। सर, क्या हम थोड़ा ढूंढ कर देख ले क्या? पुलिस में जाकर केस करके देखते हैं। हम जहाँ पर भी देख सकते थे हमने देखा है, अब और कहाँ जाकर ढूंढेंगे उनको? इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं, अब सोचने के लिए कुछ नहीं बचा, पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, क्या कहते हो? वही ठीक रहेगा सर, हम लोग भी उनका कितना इंतजार करेंगे। बेलो, चलो नहीं होगा, चलिए। ला दो। मैंने आपको फोन किया था। गर्ल्स आर मिसिंग, आपको कब पता चला? सही टाइम का तो पता नहीं है, लेकिन कल रात को हुआ। एक काम करो, इसके आसपास के परिसर में ढूंढो, ठीक है ना? ठीक है सर। चलिए आप लोग आइए। वो लड़के कहाँ पर सो रहे थे? वो उस कमरे में। जो गायब हुई है उसका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा था? जहां तक मैं जानता हूं ऐसा कुछ नहीं है सर। मेरा मतलब किसी लड़के के साथ? सर यकीन के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह देख लिया सर, कुछ भी नहीं मिला सर। आप यहाँ की टीचर है? हाँ सर। नाम क्या? रेवती। जिस दिन वो गायब हुए
वो आखिरी बार कहाँ थे? ये वहाँ थी सर, ये और वो दोनों एक ही कमरे में थे। तुम इधर आओ, बिना डर के बताओ, इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? वीना। ओके। तुम्हारे साथ वो लोग कितनी देर तक थे? मैं उस समय उनके साथ थी सर। तुम नॉर्थ इंडियन हो? हाँ सर। कोई बात नहीं, हिंदी में बताओ। कल खाना खाने के बाद हम लोग अपने कमरे में आ गए और सिंधु उस कमरे में चली गई। क्या बात है वो? लेकिन बताओ ना, डरो मत, बताओ। उसके बाद सर, अब तो तुमने इसी में रखा था, अभी मिल क्यों नहीं रहा है तुम्हें? मैंने भी इसी में रखा था यार, नहीं मिल रहा है मुझे। मेरा तो नया टॉप था, वो भी गायब हो गया। अंजू, सुमित्रा, तुम लोग बेकार में झगड़ा मत करो। तुम्हारा ड्रेस यहाँ रखा है, ये देखो। कहाँ? अरे यहीं पर है, देखो ना। हाँ, चलो चलो चलो। वो देखो, ड्रेस तो वहाँ है, हम परेशान हो रहे हैं। ये पक्का उन्हीं लोगों का काम होगा, चलो चल के उनकी खबर लेते हैं। अब ये सब छोड़ो यार, चलो पहले ड्रेस लेके आते हैं। चलो ना तुम भी। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे डर लगता है। देखो मुझे नींद आ रही है, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, समझ गए ना तुम लोग? अब जाओ, गुड नाइट। अरे सुनो तो, तुम भी तो हमारे साथ चलो ना। इन सब से अच्छे से पूछताछ करो। जी सर। शक वाली कोई बात दिख नहीं रही है सर। वीना, तुम उनके साथ क्यों नहीं गई थी? तुम कह रही थी तुम्हें नींद आ रही थी। हाँ, तुम सर, कुछ डर की बात कर रही थी, डर की वजह क्या है? वो क्या है ना सर, यहाँ पर भूत है ऐसा बताया है। क्या सर? इस बंगले में एक घटना घटी थी, उसका भूत भी यहाँ पर है, अभी ऐसा गांव वालों का कहना है सर। ऐसा? हाँ। वैसे आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। मेरा नाम मोहन है, मैं यहाँ के LP स्कूल में अध्यापक हूँ। तुम यहाँ के नौकर हो ना? हाँ सर, मेरा नाम वेलू है, माधोपुर का रहने वाला हूँ, अभी तक शादी नहीं हुई है, कुछ ही दिन पहले यहाँ काम के लिए आया हूँ। लोग कहते हैं कि यहाँ पर भूत है, ऐसा विश्वास करते हो क्या तुम? क्यों, तुमने कभी भूत देखा यहाँ? हाँ सर। अच्छा सुनो, ये जो भूत है वो साड़ी पहनकर, फूल सजाकर, गाने गाते हुए चले इधर सामने आओ। तुमसे बोल रहे हैं, वहां जाकर खड़ी हो। बैठिए, बैठिए। नाम क्या तुम्हारा? जानू। हाँ? जानू। कौन सा गांव है तुम्हारा? मैंने क्या पूछा? तुमसे ही पूछ रहे हैं। कुंदरा। घर में और कौन कौन है? दो बच्चे और मेरी माँ, बस इतना ही, और कोई नहीं सर। तुम्हारा पति नहीं है? मुझे और मेरे बच्चे को अनाथ बनाकर, बच्चे को छोड़कर दूसरी लड़की के साथ भाग गया सर। 4 साल हो गए, दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए यहाँ रह रही हूँ सर। यहाँ पर कौन आता जाता है? तुमसे मिलने यहाँ पे और कौन कौन आता है, बताओ जल्दी, बोलो। सर बेकार में मुझ पर कोई इल्जाम मत लगाए, मुझसे यहाँ कोई नहीं आता मिलने, दूसरा कोई रास्ता नहीं, इसीलिए यहाँ रहती हूँ सर। सर इसे हमें थाने लेकर चलना चाहिए। अरे सर, कोई फायदा नहीं, फिलहाल इसे यहीं छोड़ते हैं, चलो जाओ। मिस्टर गोवन। सर। आप फोन पर बात कर रहे थे कि आपकी गाड़ी खराब हो गई थी, फिर आप एक दुकान पर पहुंचे, फिर आप वहां से इस बंगले तक पहुंचे, आप मुझे सब डिटेल में बताइए। हम लोग बम्बावली जाने के लिए निकले थे, पर्पस था स्टडी। अभी रघु कहां पर है? पता नहीं सर, अभी तक उसका फोन नहीं आया।
हम भी फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट रीचेबल आ रहा है। कल संडे इसलिए वर्कशॉप में छुट्टी हो सकती है। कह रहा था कि किसी को दिखाकर गाड़ी रिपेयर करवा लेगा। गाड़ी आए या ना आए, सब लोग को यहीं पर रहना है। सर हम लोग नथिंग टू वरी, हम सब अभी अभी मिले हैं ना, सो इट्स पार्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यू हैव टू स्टॉप हियर। ओके चलो हम लोग चलते हैं। ठीक है सर। ठीक है अब निकलते हैं। यहाँ पर सब लोगों की डिटेल कलेक्ट करो। ओके सर। और उस रघु का फोन ट्रेस करो और उसकी फोटो भी कलेक्ट करो। ओके सर। चलो सर, आइए सर। यहाँ सभी पुलिस वाले आकर गए थे, मुझे लगा किसी को पकड़ने के लिए आए होंगे, उस वजह से खुद मैंने अपने आप को नमस्ते साहब। चाय वाय बाद में, सुनो पहले इधर आओ। एसआई साहब को तुमसे कुछ पूछताछ करनी है, वो वहां है। जाओ उनके पास। हाँ सुनो, तुमने जिन लोगों को बंगले में भेजा था ना, हाँ उनमें से तीन लड़कियां गायब हैं। साहब अब हमें कैसे पता होगा? हमें कैसे पता? अरे वो बगल के राशन वाले ने बताया। कौन है आदमी? यहाँ की सारी बातें उसे ही पता होती हैं साहब। उन्होंने कहा कि उनके साथ एक ड्राइवर था, वो इस समय कहाँ है? वो क्या है ना सर, उस दिन रात को वो यहीं पर सोया था। मैंने उससे बताया घूमने की जगह, गाड़ी में जाकर सोने के बजाय तुम यहीं पर बिस्तर लगा कर सो जाओ। अच्छा, उसके चाल ढाल और बर्ताव में कुछ फर्क था? उसके बर्ताव में कुछ सही नहीं दिख रहा था साहब, मैं अगर कहूँ। वजह? वजह बोले तो उस दिन रात को। अबे भाई अरे इस वक्त कहाँ जाओगे? अरे गाड़ी में सोने। अरे वो सब छोड़ो, इस वक्त बेकार के लोगों के घूमने का टाइम है। तो फिर मैं कहाँ पे सोऊं? अब जो हमारे पास सुविधा है इसी में सो जाएंगे सब। लेकिन आपको तकलीफ होगी ना। कौन है वहाँ? अरे मैं वो क्या हो रहा है? ठंड में बाहर मत जाओ नहीं तो जम जाओगे। बाद में मैंने उठकर देखा तो वहाँ पर वो नहीं था। तुमने उसे ढूंढा नहीं? वैसे ढूंढने जैसा कुछ था नहीं साहब, मुझे लगा कि वो गाड़ी के बारे में ही सोच रहा होगा। एक काम करो, अगर कोई जानकारी मिले तो हमें बताना। हाँ साहब बता दूंगा बता दूंगा। अरे ऐसे देखो मत, पत्ते फेंको, बेवजह में सोचता रहता है। ये ला ये मेरी तरफ से, ये लो ये लो।
पुलिस। रुक रुक काम भाग रहे। चल चल चल। सच सच बताओ रघु, वो लड़कियां कहां हैं? सब कुछ सच ही तो बताया सर। सच सच बता दो मुझे, नहीं तो जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाओगे, इस हिसाब से अंदर डालूंगा तुम्हें, समझे? सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, जो बात मैं जानता ही नहीं उसे कैसे बता सकता हूँ। तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ था? इंजन खराब हो गया था सर। इंजन की कंप्लेंट है? अगर इंजन में प्रॉब्लम होती है तो हम गैराज में लेकर जाते, क्यों बताओ? इस तरह पूछने से सच नहीं बताएगा सर, एक बार मुझे मौका दीजिए, ये सब कुछ उगल देगा सर। रुक जाओ, मैं पूछ लेता हूं। देख, हम तेरे शरीर को चीर फाड़ सकते हैं, अब देख फैसला तेरे हाथ में है, चल। सोच बता हरामखोर। बताता हूं। अंदर जाकर देखो। ओके सर। अरे अंदर कुछ भी नहीं है सर, क्या बात? सब बताएंगे, शांति रखो। सर कुछ भी नहीं है। सर अंदर कोई भी नहीं है। इसे पकड़ के गाड़ी में डालो। चलो पिताजी, क्या हुआ? तुम परेशान मत। चलो मैं चलो। रुको, तुम यहीं रुको, मैं आता हूं। हेलो सर। नहीं सर, पूछताछ चल रही है सर। ठीक है सर, टीएस के डेवलपमेंट के बारे में बताता हूँ सर। ओके सर, ठीक है सर। जो लड़की मिसिंग हुई इसका बाप है, वो हमारी बिरादरी का है, वो यहाँ पर आ रहा है, हमें केस को संभालना होगा। अब इस केस की सीरियसनेस पता चल रही है। समझ गया सर। उस आदमी ने कुछ बताया क्या? नहीं सर। उसे मैंने अपनी पलकों पर बिठा कर पाला था साहब, भले वो मेरी बेटी नहीं है पर अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या हुआ, इसने कुछ बताया क्या? नहीं सर, इस आदमी की लड़की नहीं है ये तो ऐसा बोल रहा है। बेटी नहीं है तो फिर कौन है? वो क्या है, ये कहानी है सर। लड़के को सहारा देने के लिए एक माँ भी साथ में रहा करती थी, वो लोग बहुत सीधे साधे थे।
सर वो रेखा आपसे मिलने आई है। क्या बात है सर, मेरे पिताजी कहाँ हैं? बताता हूँ, बैठो। बताइए सर, मेरे पिताजी कहाँ हैं? इतने सवाल एक साथ पूछोगे कैसे बताऊंगा? उसका भी एक तरीका है। अच्छा एक बात बताओ, तुम कल ऑफिस गई थी क्या? दो तीन दोस्तों से मिलना था सर। कौन सा दोस्त? मेरा क्लासमेट। तुम्हारा मोबाइल फोन स्विच ऑफ रहा था। ये तो मामूली बात है ना सर, बैटरी डाउन हो गई, मोबाइल ऑफ हो गया। वैसे बात क्या है सर? सर उन लड़कियों की माँ है ये लोग। सर कुछ खबर मिली क्या? हमारे बच्चे कहाँ हैं? उन लोगों के साथ क्या हुआ, कुछ पता चला? देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आपकी तकलीफ को समझता हूँ। सर मैं एसपी की औरत हूँ, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तो। प्लीज मैडम आप चिंता मत कीजिए, एसपी सर ने फोन पे बात की है, जितनी जल्दी होगा हम उन्हें ढूंढ लेंगे। पीसी? यस सर। आप सबके लिए चाय की व्यवस्था करो। ठीक है सर। चाय पानी नहीं चाहिए सर, हमारे बच्चों को बस ढूंढ दीजिए। मैडम हमने इस केस को पर्सनली लिया है, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। जाइए आप। जाइए। चलती हूँ। ठीक है। सर आपने बताया नहीं मेरे पिताजी को यहाँ क्यों लाए, और मुझसे इस तरह सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मामला बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बंगले से तीन लड़कियां जो मिसिंग है, उस सिलसिले में जो संबंधित है हम उन्हें कस्टडी में लेंगे। समझ गई ना? बंगले में जो हो रहा है वो पहली बार थोड़ी ना है, ऐसे ही लोग गायब होते रहते हैं। इससे पहले तो आपने कभी इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई, उन्हें ढूंढना तक नहीं। गांव में भी छानबीन करने का काम पुलिस ने नहीं किया। जो नुकसान हम झेल रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है सर, इसमें छोटे बड़े कुछ नहीं है। एक औरत दो बच्चों के साथ खुशी से रह रही थी, उनके साथ क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। उनकी कहानी भी तो सुनिए सर। बाद ही मेरी शादी होगी ना माँ। तुझे तो शादी की पड़ी है, इस महीने फीस कैसे भरनी है पता भी है तुझे? तंगा अंकल। अरे आ गया बेटी। क्या हुआ बेटी? माँ और प्रीति यहाँ आए हैं क्या? अच्छा अच्छा, वो मेले की तरफ गए होंगे। हाँ वो सब बंगले में ही जा रहे थे। हाँ पर क्यों गए पता है क्या? मेघा ने बताया कि उस बंगले के मालिक की तबीयत ठीक नहीं है। तुमसे वो लोग ने बताया नहीं क्या? नहीं अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनो बेटी तुम चिंता मत करो, कभी कभार वो लोग तालाब के रास्ते से आते हैं। अरे रो मत, हम लोग चल के बंगले में देख लेते हैं।
चलो एक काम करते हैं, हम चलकर बंगले में छानबीन करते हैं। मैं अपनी टॉर्च लेकर के आता हूँ। तक घर पहुंच गए होंगे, और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे यहाँ होने की वजह से वो लोग भी परेशान हो रहे होंगे। हमें यहाँ से चलना चाहिए इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर आ जाएं। चलो बेटी चलो। उस दिन के बाद वो लोग घर नहीं आए सर। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, कहां गए, कुछ नहीं पता। अरे क्या यार, चलो भी, अब जल्दी से पैक मारो। क्या रुकना है या जाना है? कल जाने का था ना। थोड़ी देर तुम और रुक जाती तो अच्छा था। क्या सर, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे जाना है अभी। आपको जब भी जरूरत पड़े मुझे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। तो फिर ठीक है, तुम जैसा समझो जाओ। ठीक है सर। अरे एक पैक बना यार। अरे बनाओ ना यार। अरे मैं उन्हें जानती हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बेटा आ जाओ। ये कौन है सरजा, साथ में बच्ची भी है? सर आपने उस दिन बोला था ना कि बच्ची की पढ़ाई के बारे में आप कुछ करने वाले हैं, ऐसा कहा था। ओ, अरे क्यों बेकार में डर रही हो? ये सब मेरे दोस्त लोग हैं, बहुत खास आदमी है लोग। वैसे बच्ची तुम अभी कौन सी पढ़ाई कर रही हो? अरे इसमें क्या है, जो चाहिए उसे करेंगे, आप शांत रहिए। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? बीएससी सर। सर वो पहाड़ के नीचे का जो बड़ा स्कूल है ना उसमें पढ़ रही है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो फीस भरने की बात है ना वो मुझसे नहीं हो पा रही है सर, इसके लिए थोड़ी मदद कर दीजिए सर। अरे इसमें क्या है, जो चाहिए वो करेंगे, आप शांत रहिए। सिर्फ तुम्हें करने की जरूरत नहीं, जितना होगा हम भी करेंगे, वैसे भी ये तो बच्ची की पढ़ाई का मामला है, क्या बोलते हो राकेश? और क्या, ऐसा करना पुण्य का काम है। अरे ये क्या सलाद खत्म हो गया? सलजा एक काम करो, रसोई में जाके थोड़ा सलाद लेकर आओ। इसमें क्या है सर, अभी लेकर आती हूँ। अरे उठा कर दो। अरे बच्ची तुम कहाँ जा रही हो? माँ अभी आ जाएगी। वैसे तुम्हें पढ़ाई के बारे में कुछ सवाल करना है। हाँ बैठो। बेटी वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आकर बैठो। बच्ची को लगता है डर लग रहा है। अरे डर क्यों रहे बेटी, बैठो यहाँ बैठो। अरे डर क्यों? अरे तुम्हारी माँ से कई बार बोला था यहाँ पर रुककर काम काज पर ध्यान देने के लिए। सुनना चाहिए ना। हाँ ठीक है उसे छोड़ो, कैसे चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? ठीक चल रही है। क्या अच्छा चल रहा है ऐसा नहीं बोलते, ये बोलो कि पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा बोलना चाहिए, समझ रही हो ना मेरी बात को? छोड़िए। अरे कोई बात नहीं, छोड़िए मुझे। अरे मेरी बात सुनो। माँ
अरे 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 छोड़ो नहीं, अरे चिल्लाओ मत, अरे तुम लेके जाओ, अरे सब बहुत मस्ती का काम है, तुझे समझ में नहीं आएगा, ये सब मेरे दोस्त हैं, मेरे खास दोस्त हैं, अंदर चल, अंदर चल। रहमत दिखाइएगा, उन लोगों ने मेरी माँ और बहन को मार डाला और पुलिस के सामने ये साबित कर दिया कि उन लोगों ने अपनी ही जान ले ली, सुइसाइड किया। मेरी माँ और बहन को इंसाफ मिलेगा क्या सर? आप ही फैसला कीजिए सर, इंसाफ मिलेगा कि नहीं बताइए सर। चाहिए बता, कितने चाहिए मुझे ये बता कि हमारे बच्चे कहाँ हैं? बोल ना बेशरम, क्या किया उनके साथ? अरे बोल ना। रुक जाओ, ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है, ये भी तो कुछ नहीं कह रहे। स्टॉप इट। देखिए मैडम, बेवजह गुस्सा मत दिलाइए, कानून के मुताबिक जो हो सकेगा वो हम जरूर करेंगे, समझ रही हैं आप? चुप रहिए। सॉरी सर। चलो बताओ, उन लोगों को तुमने कहाँ रखा है? क्या करेंगे सर, जिन रिश्तेदारों को मैंने खोया है उसी के गुस्से में आकर मैंने ये सब कुछ किया। अब इसकी जो भी सजा मिले उसे भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ सर, मुझे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। देखो ज्यादा होशियार मत बनो, तुम्हारे साथ जो हुआ है वो मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, और जो तुमने किया वो वेल प्लान्ड मर्डर है। मुझे ये जानना है कि तुमने ये सब प्लान कैसे किया है, ये बताओ बस मुझे। ये वो था, और ये उसकी सबसे प्यारी सहेली, इसके साथ में ही ये हमेशा खेला करते थे वहाँ पे। ये दोनों उसी कॉलेज में पढ़ते हैं और ये दोनों साथ में ही रहती हैं, और ये है उस बस का ड्राइवर जिसे आपको जाल में फंसाना है, तभी हमारा मिशन कामयाब होगा। ओके ओके डन। देखो मैंने उसे फोन कर दिया है, वो यहाँ आने वाला है। ओके ध्यान रखना। ये शायद उसी का फोन है। हेलो हेलो, हाँ मैं वही हूँ, आ जाओ। ठीक है, देखो वो आ रहा है, पूरा काम ध्यान से करना है। ओके हाँ ठीक है। हमें जब ये एहसास हो गया कि हम उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, तो हमने उनके बच्चों को उठाने की कोशिश की, और इसमें मेरे दो दोस्तों ने मेरी मदद की और मैंने रघु को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। पैसे मेरे बैग में ही थे दीदी, पता नहीं अभी कहाँ चले गए। अब यहाँ खड़े होके ऐसे रो मत, पैसे निकालो चलो। अरे बैग के अंदर अच्छे से देखो ना, ऐसे कैसे पैसे गायब हो गए? पैसे देने का मन नहीं है और नाटक कर रही है। अरे दीदी चार अंडा और भाजी देना। सर पार्सल चाहिए क्या सर? वैसे प्रॉब्लम क्या है? अच्छा पैसे गायब हो गए सर। अरे इतनी सी बात है दीदी। हाँ? भाजी अंडा के साथ इनका पैसा कितना हुआ बताइए, मैं दे दूंगा ना, है मेरे पास 120 रुपए, ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच, अगर आप अपना नंबर दें तो मैं पैसे लौटा दूंगी आपके। अरे वो सब किस लिए, चलिए दीदी चलता हूँ, आइए ना चलिए।
क्या हुआ भाई? हाँ पता नहीं गाड़ी क्यों बंद हो गई सर, स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब तो बीच रास्ते में धोखा दे दिया। हे भगवान अब क्या होगा। कोई फायदा नहीं हो रहा है, धक्का मार के गाड़ी को साइड में कर देते हैं। जंगल है, अंधेरा है, रात में जानवर वगैरह आते हैं। ए इंस्पेक्टर, तुम यहाँ आराम से बैठे हो और मेरे दोस्त की लड़की के साथ 3 लड़कियां और गायब हो गई हैं। अभी तक किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिला है। अरे जब तुमसे नहीं होगा तो अपनी टोपी उतारो और कोई और काम करने के लिए जाओ, शायद तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। मैं ही हूँ यशपी राजन। सर ये कौन है? आप यहां कैसे? बोलते क्यों नहीं? जवाब दो। सर प्लीज। सर ये बताइए आप यहां कैसे आए? ये मेरे अधिकार के अंदर में आने वाला स्टेशन है। सुनो जोश। सर उन बच्चे लोगों को ढूंढ निकालने से पहले हमें इन 3 लोगों को गिरफ्तार करना होगा। उसका ऑर्डर मैं लेकर आया हूं। मिस्टर केपी राजन, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर रवि कृष्णा,
कॉफी एंड टी एक्सपोर्टर एंड मिस्टर रमेश कुमार बिल्डर, यही। अरे ये क्या तुम पकते जा रहे हो, क्या समझ रखा है अपने आप को? मैंने जो शपथ ली थी उसी को निभा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा सीरियस मामला है। जब आप मुझसे आखिरी बार मिलने के लिए आए थे उस दिन मैं सर्कल ऑफिसर था और आप डिप्टी एसपी थे। वो सुसाइड केस क्लोज हो गया क्या? नहीं सर, उसकी मौत के बारे में सुराग मिला जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो। सर वो एक मर्डर केस है। तुम्हें कैसे पता? पोस्टमार्टम से क्लियर हो गया है सर। तुम्हें कैसे पता? सिर्फ मुझे ही नहीं, ये बात तो आप भी जानते हैं ना। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चाहे कोई भी बदल सकता है, अगर पैसा और ताकत रहेगी तो। ये जो तुम बोल रहे हो ये सच है, लेकिन ये रिपोर्ट फिलहाल मेरे पास रहने दो और तुम्हें इस केस के बारे में ज्यादा तहकीकात करने की जरूरत नहीं है। सर आई एम हेल्पलेस नेहा, आई एम हेल्पलेस। उन लोगों ने मेरा ट्रांसफर करवा दिया, आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप एक ही तो मेरा सहारा थे सर। मैं जानता हूं, लेकिन क्या कर सकते हैं। इस घटना की जो भी साक्षी बनी वो मीना भी अभी किधर है कुछ पता नहीं चल रहा। उसने जो भी बात मुझसे कही है वो आज तक मेरे कानों में गूंज रही है। वो जो पर्स भूल गई थी वापस लेने के लिए बंगला में गई थी जहां उसने दृष्टि को देखा था और देखकर हिल गई थी जो बोल नहीं सकती थी। कुछ वो मुझसे बता रही थी। इन सभी की गवाह यही है। इस बात को जानने के लिए लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। किस्मत अच्छी थी इसलिए वो बच गई। शायद उनके साथ उनके बिस्तर में कुछ दिन सोई थी, उसी वजह से उसे छोड़ दिए होंगे। कुछ भी कहिए लेकिन वो बहुत अच्छी है, उसी की वजह से हमें सारी बात पता चली। हाँ लेकिन बोल के क्या फायदा, वो अभी किधर है कहाँ है कोई भी नहीं जानता है। सारी बात मुझे पता चल गई है। इस बात को जानने के बाद उसे भी इस गांव से भगा दिया है। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, एक ना एक दिन गवाह सबूत के साथ उन लोगों को मैं कानून के सामने लाकर खड़ा करूंगा, मेरा वादा है। उस दिन इस लड़की को मैंने जो जुबान दिया था उसे पूरा करने के लिए आज यहाँ बैठा। अभी हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? लाश को तो कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा ना। हाँ यही ठीक है। एक काम और करो, तुम कुछ नीचे रहने वाले डॉक्टर को कॉल करके सब बताओ। दोनों की बॉडी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुसाइड रिपोर्ट बन के आनी चाहिए। उसको जितना भी चाहे पैसा दे दो, उसे क्या करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आपने जिस गांव से भगाया उस मीना को और जिसने पोस्टमार्टम कराया वो डॉक्टर अभी मेरी कस्टडी में है। लोगों को बुलाओ। आपको सर बुला रहे हैं। नाउ जस्ट डू व्हाट आई से। यस सर, चलिए चलिए। आप लोगों की जो चिंता है उसको मैं अच्छी तरह महसूस कर सकता हूं और समझ सकता हूं। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के बच्चे सेफ हैं। माँ, मैंने सोचा था कि मैं इन तीनों को मार दूं, लेकिन जब मैंने इनका चेहरा देखा तो मुझे मेरी बहन की याद आने लगी। लेकिन तुमने जो किया है लेखा वो पनिसेबल ऑफिस ही है। सिर्फ तुम ही नहीं लेखा, उन दोनों को भी पनिशमेंट मिलेगा। आप लोगों को और कुछ शिकायत हो तो लिखा दीजिए। हम लोगों को कोई शिकायत नहीं है सर, जिसने भी ये गलती की है उनको सजा मिलनी ही चाहिए सर। अगर ऐसी बात है तो आप लोग जा सकते हैं। चलते हैं।
अरे जब किसी को कोई शिकायत ही नहीं करनी है तो इस केस को इधर ही क्लोज कर दो। बाय द वे वेल डन मिस्टर जोश, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी ख्वाहिश तो पूरी हो गई ना? मौर, मौर, अरे यार सुनो सुनो, ए, सुनो यार, अरे सच में वहां पे वाणी है यार।